धरातल पर वायुदाब पेटियां और पवन प्रवाह प्रणाली मुख्य परीक्षा का विषय वस्तु है, लेकिन वायुदाब पेटियों और पवन प्रवाह प्रणाली जो हमारे ग्रह पर पाई जाती है, इसका अध्ययन करने से पहले वायुदाब को समझना जरूरी है। जब तक हम वायुमंडलीय दाब को नहीं समझेंगे, वायुदाब पेटियों को नहीं समझ पाएंगे। वायुदाब क्या है? वायुदाब से प्रारंभिक परीक्षा में आमतौर पर सवाल खूब पूछे जाते हैं, जबकि वायुदाब पेटियों से मुख्य परीक्षा में सवाल आपसे पूछा जाएगा। वायुमंडल का जो खंड है उसमें एक अध्याय है वायुदाब पेटियां, और वायुदाब पेटियों के बाद हम अध्ययन करते हैं धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली। वास्तव में वायुदाब पेटियों और धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जब तक वायुदाब में अंतर नहीं होगा, हवाओं में गति नहीं होगी, पवनों की उत्पत्ति नहीं होगी। वायुदाब पेटियों को समझने से पहले वायुदाब को समझ लेना जरूरी है। वायुदाब जो अध्याय है उसमें प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, तो वायुदाब के बाद वायुमंडलीय दाब का अध्ययन करेंगे हम। इसमें मुख्य परीक्षा के लिहाज से वायुदाब पेटियों के विषय में सवाल पूछा जाता है। वायुदाब पेटियों और धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली, वायुदाब पेटियों और पवन प्रवाह प्रणाली में घनिष्ठ संबंध है। पवनों का प्रवाह ही इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग वायुदाब वाले क्षेत्र पाए जाते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अलग अलग वायुदाब वाले क्षेत्र नहीं होते तो हवाओं में गति नहीं होती। हवाओं में गति होती है तो उसे हम पवन कहते हैं। पवन मतलब क्या होता है? गतिशील हवा को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो हवाओं में गति का कारण ही वायुदाब में भिन्नता है, लेकिन वायुदाब पेटियों और पवन प्रवाह प्रणाली जो कि मुख्य परीक्षा का विषय वस्तु है, उसके विषय में अध्ययन करने से पहले वायुमंडलीय दाब को समझना जरूरी है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के चलते पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें भार है। पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के चलते वायुमंडल में भी भार है। पृथ्वी तल पर वायुमंडल का जो दबाव पड़ता है, वायुमंडल के भार के चलते पृथ्वी तल पर जो दबाव पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वायुदाब, है ना। सामान्य रूप में, थोड़े परिभाषित रूप में इसे कहा जाए तो पृथ्वी तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, अगर परिभाषित रूप में हम कहें तो पृथ्वी तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को ही वायुदाब कहते हैं। क्लियर। अब सवाल है कि वायुमंडलीय दाब का मापन कैसे किया जाता है और वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं, और वायुमंडलीय दाब की इकाई है मिलीबार। बैरोमीटर आमतौर पे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों में बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग होता है। बैरोमीटर आमतौर पर दो प्रकार का होता है, एक होता है फोर्टिन बैरोमीटर और दूसरा होता है एनिराइड बैरोमीटर। फोर्टिन जो होता है वो स्तंभ की तरह ऊंचा होता है, हम थोड़ा सा दिखा दें। फोर्टिन स्तंभ की तरह ऊंचा होता है, एक बर्तन में पारा भरा रहता है और ऊपर अलग अलग अंक होते हैं मिलीबार में। पारा जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है इसका मतलब इकाई बदलती जाती है, मापने की इकाई, इकाई क्या होती है? मिलीबार होती है। और एनिराइड बैरोमीटर जो होता है वो घड़ी की तरह दिखने में लगता है, है ना। घड़ी में जैसे कांटे होते हैं ना, सुइयां होती हैं, उसी तरह एनिराइड में भी सुइयां होती हैं। तो वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से होता है, और इकाई क्या है मापने की? बैरोमीटर, सॉरी मिलीबार होती है। बैरोमीटर दो प्रकार का आमतौर पर होता है, फोर्टिन और एनिराइड। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को किस रूप में मापते हैं? बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर, प्रति वर्ग धरातल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ने वाले भार के रूप में मापते हैं। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को धरातल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ने वाले भार के रूप में मापते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मिलीबार कहते हैं। धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायुमंडलीय भार को हम क्या कहते हैं? मिलीबार कहते हैं। क्लियर। यानी
बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को मिलीबार में मापते हैं। मिलीबार का मतलब क्या होता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। यही छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। मिलीबार का मतलब क्या होता है, मिलीबार का मतलब होता है प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ने वाला वायुमंडलीय भार। एक मिलीबार कितना होता है, एक मिलीबार का मतलब होता है एक वर्ग सेंटीमीटर पर एक ग्राम भार। अगर हम कहें कि वायुमंडलीय दाब एक मिलीबार है, एक मिलीबार वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है एक वर्ग सेंटीमीटर पर वायुमंडल का एक ग्राम भार। ध्यान रहे, एक मिलीबार हो, दो मिलीबार हो, सौ मिलीबार हो, 500 मिलीबार हो, सब में भार बदलता चला जाएगा जबकि धरातल का क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, एक वर्ग सेंटीमीटर। एक मिलीबार मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर पर एक ग्राम भार, दो मिलीबार मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर पर दो ग्राम भार, 10 मिलीबार का मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर पर 10 ग्राम भार, 1000 मिलीबार का मतलब क्या होता है, 1000 मिलीबार का मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर पर 1053 ग्राम भार, 1053 ग्राम भार। 1000 मिलीबार का मतलब होता है एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1053 ग्राम भार। इसको अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो निकलेगा 1.053, है ना, एक वर्ग सेंटीमीटर पर 1.053 किलोग्राम भार, जो पारे के कितने स्तंभ की ऊंचाई के बराबर होता है। 1000 मिलीबार वायुमंडलीय दाब, 1000 वायुमंडलीय दाब जो होता है वो पारे के 75 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दबाव के बराबर होता है। यानी एक वर्ग सेंटीमीटर पर जो 1053 ग्राम भार पड़ता है, एक वर्ग सेंटीमीटर पर जो 1053 ग्राम भार होता है वो पारे के 75 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दबाव के बराबर होता है। ये पारे का 75 सेंटीमीटर स्तंभ दबाव क्या होता है, दरअसल ये मान लेते हैं बैरोमीटर है। बैरोमीटर में नीचे बर्तन में पारा भरा होता है, वायुमंडलीय दाब के चलते पारा ऊपर स्थित नली में चढ़ता है। वायुमंडलीय दाब जितना ही अधिक होगा पारा उतना ही ऊंचाई पर जाएगा। यानी किसी ऐसे स्थल पर हम जाते हैं जहां वायुमंडलीय दाब अधिक है, वहां पर बैरोमीटर का जो पारा होता है अधिक ऊंचाई पर चढ़ेगा। जैसे हम शरीर का बुखार मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, तो थर्मामीटर का पारा, अगर हमारे हमें ज़्यादा बुखार है तो थर्मामीटर का पारा ऊपर चढ़ता है, हालांकि वो फैल रहा होता है। टेम्परेचर के चलते पारा क्या होता है, फैल जाता है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 98.4 फारेनहाइट, है ना, तो ये सामान्य तापमान है। लेकिन जब हमें बुखार होता है तो पारा कहाँ तक पहुँच जाता है, पारा पहुँच जाता है 103 डिग्री तक, है ना, 103 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो इसे हम कहते हैं पारे की रीडिंग या थर्मामीटर की रीडिंग कहेंगे। उसी तरह बैरोमीटर की भी अपनी एक रीडिंग होती है, हिंदी में उसे पठन कहेंगे, बैरोमीटर का पठन या बैरोमीटर की रीडिंग कहते हैं। पारा जब ऊपर जाता है तो बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ती है, पारा जब नीचे गिरता है तो बैरोमीटर की रीडिंग घटती है। बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ने का मतलब है क्या होता है और बैरोमीटर की रीडिंग घटने का क्या मतलब होता है, ये थोड़ी देर में बताया जाएगा। सवाल उठता है कि पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब होता कहां पर है। पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर होता है, सागर तल पर, क्योंकि सागर तल पृथ्वी पर सबसे निचले स्थल है। पानी हमेशा सबसे निचले स्थलों में रहता है, पानी कभी ऊंचाई पर नहीं जाता, पानी हमेशा ऊंचाई से निचले स्थल पर जाता है। तो जो सागर तल होता है वो धरातल पर सबसे निचले स्थल है, इसलिए धरातल के ऊपर जो वायुमंडल की मोटाई है वो अधिक होती है। सागर तल के ऊपर वायुमंडल का जो स्तंभ होता है, मोटाई को हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। सागर तल के ऊपर वायुमंडल का स्तंभ अधिक ऊंचा होता है, जबकि अगर पर्वतीय क्षेत्रों पर चले जाएं तो पर्वत ऊपर उठे रहते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर वायुमंडल का स्तंभ उतना ऊंचा नहीं होता, अपेक्षाकृत पतला होता है। अभी एक चित्र के द्वारा हम इसको और स्पष्ट करेंगे। तो चूंकि सागर तल पर वायुमंडल का स्तंभ अधिक ऊंचा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सागर तल पर वायुमंडल का भार भी अधिक पड़ता है, इसलिए सागर तल पर सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। सागर तल पर जो वायुमंडलीय दाब पाया जाता है वो कितना होता है, सागर तल पर वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार पाया जाता है। 1013.25 मिलीबार
वायुमंडल दाब होता है सागर तल पर, जो पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ दबाव के बराबर होता है। सागर तल पर जो वायुदाब होता है पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ दबाव के बराबर होता है। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि 1000 मिलीबार का मतलब होता है एक वर्ग सेंटीमीटर पर 1053 ग्राम भार। एक वर्ग सेंटीमीटर पर 1053 ग्राम भार पारे के 75 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है। यहां पर लिखा है 1000 मिलीबार, जबकि समुद्र तल पर कितना होता है वायुदाब 1013 मिलीबार, है ना, 1013.25 मिलीबार। चूंकि 1000 से अधिक है इसलिए समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है वो पारे के 75 से 1 पॉइंट अधिक बढ़ जाता है। समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है वो पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ दबाव के बराबर होता है। क्लियर। स्तंभ दबाव क्या है, पारा जितना ही ऊंचा चला जाएगा स्तंभ दबाव उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यानी सागर तल पर जो 1013.25 मिलीबार जो वायुमंडलीय दाब है, अगर हम सागर तल पर बैरोमीटर को ले जाएंगे तो बैरोमीटर किस ऊंचाई तक जाएगा, 76 सेंटीमीटर तक जाएगा। आप समझ गए, क्लियर। अगर हम बैरोमीटर को समुद्र तल पर ले जाएं तो बैरोमीटर में जो पारा होता है वो 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाएगा, और 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पठन क्या होगा, रीडिंग क्या होगी, बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रीडिंग होगी 1013.25 एमबी। क्लियर। यानी 1013.25 एमबी जो रीडिंग होती है वो किस ऊंचाई पर होती है बैरोमीटर में, 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होती है। क्लियर। अब सवाल उठता है कि हमने थोड़ी देर पहले ही बताया जैसा कि वायुमंडलीय दाब जितना ही अधिक होगा पारा उतनी अधिक ऊंचाई तक उठता है, और वायुमंडलीय दाब जब कम होता है तो पारा नीचे गिर जाता है। ये ठीक वैसा ही है कुछ जैसा कि टायर में जब हम हवा भरते हैं तो टायर फूलता चला जाता है, है ना, टायर में हवा भरने पर टायर फूलता चला जाता है। इसी तरह से वायुमंडलीय दाब जितना ही अधिक होगा पारा उतनी ही अधिक ऊंचाई पर उठेगा। समुद्र तल पर ले जाने पर बैरोमीटर को अगर हम समुद्र तल पर ले जाएं तो पारा 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठता है। इसको हम कहते हैं बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ना। अगर हम बैरोमीटर को पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाएं, है ना, अगर हम बैरोमीटर को एवरेस्ट चोटी पर ले जाएं तो बैरोमीटर की रीडिंग नीचे गिरेगी, मतलब पारा नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में वायुमंडलीय दाब कम होता है और सागर तल पर सबसे अधिक होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वायुमंडलीय दाब कम क्यों होता है इसकी व्याख्या थोड़ी देर में की जाएगी। तो पारे का ऊपर उठना मतलब बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ना, पारे का नीचे गिरना मतलब बैरोमीटर की रीडिंग घटना। अब अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाए, हम किसी स्थल पर बैरोमीटर को अगर रख देते हैं, मान लेते हैं, और बैरोमीटर की रीडिंग वहां पर तेजी से अचानक से नीचे गिर जाए तो ये किस बात का संकेत होगा, इस बात का संकेत होगा पहली बात कि वहां पर वायुमंडलीय दाब अचानक से घट गया। बैरोमीटर की रीडिंग अगर नीचे गिर जाए, पारा नीचे चला जाए, इसका मतलब है कि वहां पर वायुमंडलीय दाब अचानक से कम हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, लो प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं, लो प्रेशर। और वायुमंडलीय दाब जब अधिक होता है तो हम कहते हैं एचपी, मतलब हाई प्रेशर। तो बैरोमीटर की रीडिंग, अगर बैरोमीटर का पठन अगर लगातार तेजी से नीचे जा रहा है, रीडिंग नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है कि उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब लगातार कम हो रहा है, तेजी से कम हो रहा है। और हवाओं का स्वभाव क्या है, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यहां पर लिखा है हवा की दिशा, हवा हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो जैसे ही बैरोमीटर की रीडिंग नीचे गिरती है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम होता है इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ से हवाएं, मान लेते हैं यहां पे अचानक से लो प्रेशर हो गया, है ना, धरातल पर, तो चारों तरफ से हवाएं इस लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं। आप समझ रहे हैं, उस निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरने के लिए आसपास से हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं। तो जब किसी निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरने के लिए आसपास से तेजी से हवाएं प्रवाहित होने लगेंगी तो क्या आएगा, तूफान आएगा, है ना। तो बैरोमीटर की रीडिंग में तेजी से गिरावट
किस बात का संकेत है? वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी का संकेत है। और जैसे ही वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी आएगी, मौसम कैसा हो जाएगा? तूफानी मौसम, तूफानी मौसम, चक्रवाती मौसम। तो बैरोमीटर की रीडिंग में तेजी से गिरावट तूफानी या चक्रवाती मौसम का संकेत होता है। बैरोमीटर की रीडिंग में लगातार धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, मान लेते हैं बैरोमीटर की रीडिंग में लगातार धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, पारा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है। और जब किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, किसी स्थान पर जब वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है, मान लेते हैं यहां पर है एचपी, यहां पर वायुमंडलीय दाब अधिक है, तो हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की चलती की ओर चलती हैं। तो यहां पर अगर बैरोमीटर की रीडिंग लगातार बढ़ रही है, बैरोमीटर की रीडिंग लगातार बढ़ रही है, पारा ऊपर जा रहा है, मतलब वायुमंडलीय दाब अधिक है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र है वो, और हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब क्षेत्र से बाहर की ओर जाती हैं। क्लियर? तो उच्च वायु दाब जो क्षेत्र होते हैं वो साफ मौसम का संकेत होते हैं, हवाएं केंद्र से बाहर की ओर निकल जाती हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिचक्रवाती दशा। साफ मौसम, बादल नहीं होगा वहां पर। तो बैरोमीटर की रीडिंग लगातार बढ़ना इस बात का संकेत है कि वहां पर वायुमंडलीय दाब उच्च हो रहा है, वायुमंडलीय दाब उच्च है, जो कि साफ मौसम का संकेत है, साफ मौसम यानी प्रतिचक्रवाती दशा। हवाएं जब बाहर से केंद्र की ओर आती हैं तो उसे हम कहते हैं चक्रवाती दशा। हवाएं जब बाहर से केंद्र की ओर आएं, लो प्रेशर में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आती हैं, तो उसे हम कहते हैं चक्रवाती दशा। जबकि प्रतिचक्रवाती दशा हम तब कहते हैं जब हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाएं, तो मौसम साफ होता है, ऐसे मौसम को हम प्रतिचक्रवाती मौसम कहते हैं या मौसम की प्रतिचक्रवाती दशा कहते हैं। क्लियर? बैरोमीटर की रीडिंग पहले तेजी से गिरे, अब तीसरी अवस्था है, ये तो पहली अवस्था थी, ये दूसरी अवस्था थी। अब अगर आपसे सवाल पूछे कि बैरोमीटर की रीडिंग में पहले तेजी से गिरावट आए, फिर रीडिंग धीरे धीरे बढ़ने लगे, यानी पारा पहले नीचे जाए, बैरोमीटर की रीडिंग में गिरावट आए, फिर रीडिंग धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो इसका मतलब होता है कि बारिश होने वाली है ना? तो रीडिंग में पहले तेजी से गिरावट और बाद में धीरे धीरे वृद्धि इस बात का संकेत करती है कि वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है। ठीक है, यह हो गया बैरोमीटर की रीडिंग में बदलना, बैरोमीटर की रीडिंग में किसी भी तरह का जो बदलाव होता है वो किस बात का संकेत होता है, यहां सबसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, समदाब रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी तल पर समान तापमान वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं, उसी तरह से समान वायुदाब वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। यहां पर 5 समदाब रेखाएं दिखाई गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अलग अलग समदाब रेखाएं हैं। इनमें से प्रत्येक रेखा एक ही समान वायुदाब वाले स्थलों को की तरफ से गुजर रही है। जो पहली समदाब रेखा है वो शो करती है कि यहाँ पर पूरब से लेकर पश्चिम तक प्रत्येक स्थल पर वायुदाब क्या है, एक समान है। दूसरी समदाब रेखा भी ये शो करती है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक वायुदाब एक समान है, लेकिन ये अलग अलग समदाब रेखाएं हैं, 1076 मिलीबार से लेकर 700 मिलीबार तक आपको शो कर रही हैं। मैं बता रहा हूँ कि समदाब रेखाओं का पास या दूर होना किस बात का संकेत होता है। अलग अलग 5 समदाब रेखाएं हैं दिखाई गई है। हमने बोला कि पृथ्वी तल पर समान वायुदाब वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखाएं कहते हैं। 5 अलग अलग समदाब रेखाएं दिखाई गई हैं, 1076 मिलीबार, 1000 मिलीबार, 900 मिलीबार, 800 मिलीबार, 700 मिलीबार। इनमें से प्रत्येक समदाब रेखा पर पूरब से पश्चिम तक वायुदाब एक समान है, यानी यहाँ भी 1076 मिलीबार है और यहाँ भी 1076 मिलीबार है, यहाँ भी 700 मिलीबार है और यहाँ भी 700 मिलीबार है, यानी ये सभी स्थल पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम जाएंगे तो एक समान वायुदाब वाले स्थल हैं। लेकिन इन सभी समदाब रेखाओं का वायुदाब अलग अलग है, जो कि 1076 से लेकर 700 मिलीबार तक है।
हाँ, जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो इसका मतलब होता है कि वायु दाब में परिवर्तन की दर अधिक है। समदाब रेखाएं जब दूर दूर होती हैं, यहां भी 1076, 1900 और 800 मिलीबार दिखाया गया है। यहां पर समदाब रेखाएं दूर दूर हैं और यहां पर समदाब रेखाएं पास पास हैं। समदाब रेखाएं जितनी ही पास पास होंगी, ये किस बात का शो करेगा? ये शो करेगा कि वायु दाब में परिवर्तन की दर अधिक है। जबकि समदाब रेखाओं का दूर होना ये शो करता है कि वायु दाब में परिवर्तन की दर कम है। वायु दाब में परिवर्तन की दर जितनी ही अधिक होगी, समदाब रेखाएं जब नजदीक होंगी तो ये शो करेंगी, इसे पता चलेगा कि वायु दाब में परिवर्तन की दर अधिक है। वायु दाब में परिवर्तन की दर जितनी ही अधिक होगी, हवाओं की गति उतनी ही तेज होगी। वायु दाब में परिवर्तन की दर जितनी ही मंद होगी, हवाओं की गति उतनी ही मंद होगी। क्लियर? तो किसी भी पृथ्वी तल पर किन्हीं भी दो स्थलों के मध्य, पृथ्वी तल पर किन्हीं भी दो स्थलों के मध्य, पृथ्वी तल पर किन्हीं भी दो स्थलों के मध्य वायु दाब में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वायु दाब प्रवणता कहते हैं। पृथ्वी तल पर किन्हीं भी दो स्थलों के मध्य वायु दाब में परिवर्तन की जो दर होता है, उसे हम वायु दाब प्रवणता कहते हैं। समदाब रेखाएं जितनी ही निकट होंगी, वायुदाब प्रवणता उतनी ही तीव्र होगी। समदाब रेखाएं जितनी ही पास पास होंगी, वायुदाब प्रवणता उतनी ही तीव्र होगी और हवाओं की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। जबकि समदाब रेखाएं जितनी दूर दूर होंगी, वायुदाब प्रवणता मंद होगी और हवाओं की गति भी उतनी ही मंद होगी। क्लियर? वास्तव में वायुदाब प्रवणता के चलते ही हवाओं में प्रवाह होता है, हवाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की चलेंगी। अगर हम इस अवस्था को देखें तो हवाएं किधर चलेंगी? 1076 मिलीबार से 700 मिलीबार की तरफ चलेंगी। आप देख रहे हैं, यहाँ पर उच्च वायुदाब है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है, तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। समदाब रेखाएं जितने ही निकट होंगी, वायुदाब प्रवणता उतनी ही तीव्र होगी, यानी वायुदाब में परिवर्तन की दर उतनी ही तेज होगी और परिणाम स्वरूप हवाओं की गति भी उतनी ही तेज होगी। जबकि अगर समदाब रेखाएं दूर दूर हैं तो वायुदाब में परिवर्तन की दर मंद है, वायुदाब प्रवणता भी मंद होगी, हवाएं भी मंद गति से चलेंगी। यानी जितनी निकट निकट समदाब रेखाएं पाई जाएंगी, हवाओं के परिवर्तन, वायुदाब की परिवर्तन की दर जितनी तेजी से बदलेगी, वायुदाब प्रवणता उतनी ही तेज होगी और हवाएं उतनी ही तेज चलती हैं। वायुदाब प्रवणता को हम बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। जिस तरह से वस्तु में ढाल के सहारे सरक जाती है ना, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये एक बैरोमेट्रिक ढाल की तरह काम करता है। मतलब हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, तो इसे हम बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का वितरण, वायुमंडलीय दाब का वितरण हम दो रूपों में देखेंगे। ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब नीचे से ऊपर जाने की ओर। वायुमंडलीय दाब का वितरण दो प्रकार से हम देखेंगे, ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, यानी सागर तल से पहाड़ों की तरफ जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन आता है। और क्षैतिज वितरण का मतलब है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, है ना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम वायुमंडलीय वितरण का अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे क्षैतिज वितरण। और सागर तल से पर्वतों की ओर जब हम वायुमंडलीय दाब के वितरण का अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। क्लियर? तो सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर वितरण को देखते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण यानी सागर सतह से पर्वत की चोटी तक वायुमंडलीय दाब का वितरण किस प्रकार है। सागर सतह से लेकर पर्वत की चोटी तक वायुमंडलीय दाब का जो वितरण है वो किस प्रकार है, इसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सागर सतह पर वायुमंडल की स्तंभ की ऊंचाई अधिक है। सागर सतह, आप देखिए, ये सागर का तल है। सागर तल पर वायुमंडल स्तंभ की ऊंचाई अधिक है, जबकि पर्वतों पर, आप देखिए, पर्वतों पर वायुमंडल के स्तंभ की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि पर्वत ऊपर उठे हुए हैं। पर्वत ऊपर उठे हुए हैं इसलिए वायुमंडलीय स्तंभ की ऊंचाई कम हो जाती है, जबकि सागर तल पर वायुमंडलीय स्तंभ की ऊंचाई अधिक है। ये क्षोभ मंडल सीमा है, यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा। ये है समुद्र तल, ये है पर्वत की चोटी। तो आप स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं
कि सागर तल पर वायुमंडलीय स्तंभ की ऊंचाई अधिक है, इसलिए समुद्र तल पर वायुमंडल का भार अधिक होता है। इसलिए समुद्र तल पर वायुमंडल का भार भी सर्वाधिक पाया जाता है। परिणाम स्वरूप समुद्र तल पर वायुदाब सबसे ज्यादा होता है, जो कि कितना होता है, 1013.25 मिलीबार। समुद्र तल पर वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। लेकिन जब हम पर्वती ढाल के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, जब किसी पर्वती ढाल के सहारे जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होता चला जाता है, क्योंकि पर्वती ढाल के सहारे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल की स्तंभ की मोटाई या वायुमंडल की स्तंभ की ऊंचाई घटती चली जाती है। परिणाम स्वरूप ऊंचे स्थलों पर वायुमंडल का भार भी कम पड़ता है, जिससे पर्वतों पर वायुदाब कम हो जाता है। क्योंकि पर्वतों पर वायुमंडलीय स्तंभ की ऊंचाई कम है, इसलिए वायुमंडलीय भार कम पड़ता है, इसलिए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय दाब ऊंचे स्थलों पर कम होता है। वायुमंडल का जो आधा भार है वो 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल हमारे ऐसे तो 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल का जो आधा भार है वो केवल 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसका मतलब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कितना होगा? 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुदाब की तुलना में आधा होगा, है ना? 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब की तुलना में आधा होगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के समस्त भार का आधा भार केवल 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। क्लियर? अब अगर कोई ऐसी पर्वत चोटी है जो 6 किलोमीटर ऊंची है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर से अधिक है। अगर कोई ऐसी पर्वत चोटी है जो 6 किलोमीटर ऊंचा है, केटू की ऊंचाई कितनी है? गॉडविन एस्टीन, आप कमेंट करिए। तो कोई ऐसी पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 6 किलोमीटर है, तो इसका मतलब कि उसके शीर्ष पर वायुदाब कितना होगा? समुद्र तल पर वायुदाब की तुलना में आधा होगा। क्लियर? ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम क्यों होता जाता है? जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर जाते हैं वायुदाब घटता चला जाता है। इसमें विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब कम होता चला जाता है। परिणाम स्वरूप अगर हम ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटता चला जाता है, हमारी नाक से खून आ सकता है, है ना? क्यों? क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो हमारे शरीर में जो रक्तचाप है, है ना, हमारे शरीर में जो खून का दबाव है, ब्लड का दबाव है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाएगा। एक्चुअल में हमने लंबे समय तक यहाँ पे सस्टेन किया है धरातल पर, हम इस वायुमंडलीय दाब को सहने के काबिल बने हैं, है ना, प्रकृति के साथ साथ। लेकिन जब हम अचानक से अपना पर्यावरण बदल देंगे तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अभी अचानक से यहाँ पर वायुमंडल गायब हो जाए तो क्या होगा? अगर अचानक से वायुमंडल गायब हो जाए तो हमारे शरीर पर जो वायुमंडलीय भार है वो अचानक से गायब हो जाएगा। परिणाम स्वरूप हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे शरीर को फाड़ देगा, हमारा शरीर तुरंत फट जाएगा। तो जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं ऊपर, वायुमंडलीय दाब घटता चला जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप नाक से खून भी आ सकता है। अगर आप फाउंटेन पेन, जो स्याही वाली जो कलम होती है, वो पर्वतीय क्षेत्रों पर ले जाएंगे तो बहने लगती है स्याही उसमें से, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है तो स्याही बाहर की ओर बहने लगती है। वायुमंडलीय दाब धरातल पर ज़्यादा है, इसलिए खाना यहाँ जल्दी पक जाता है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों पर जाते हैं, ऊंचे ऊंचाई पर स्थित स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसके चलते वहाँ खाना जल्दी नहीं पक पाता। वहाँ पर दाल चावल अगर आप खुले बर्तन में पकाएंगे, नॉर्मल जैसे गाँव पकाते हैं बिना कुकर, प्रेशर कुकर के, प्रेशर कुकर में अगर हम नहीं पकाएंगे, है ना, मान लेते हैं आप एवरेस्ट पर जाके खाना पका रहे हैं, तो आपका जो दाल चावल वो जल्दी नहीं पकेगा। दाल चावल को शीघ्र पकने के लिए दबाव की ज़रूरत होती है, इसलिए अगर हम खाना जल्दी पकाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। प्रेशर कुकर में खाना टेम्परेचर के चलते जल्दी नहीं पक जाता है, प्रेशर कुकर में खाना प्रेशर के चलते पकता है,
है ना, वहां पर दबाव अंदर अधिक होता है, दबाव जितना ही ज्यादा होगा खाना उतना ही जल्दी पक जाएगा। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम खुले बर्तन में खाना पकाएं तो खाने को पकने में, एक चावल को पकने में भी एक घंटे लग सकते हैं, जल्दी पक नहीं पाएगा वो, है ना। तो खाने, भोजन के पकने या न पकने पर भी वायुमंडलीय दाब का प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई पर जाने पर यानी पर्वतीय स्थलों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम क्यों होता जाता है, इसके कई कारण है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय स्तंभ की ऊंचाई घटती चली जाती है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय स्तंभ की ऊंचाई अधिक है, पर्वतों पर वायुमंडलीय स्तंभ की ऊंचाई कम होती है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों पर केवल पर्वतीय स्थल के ऊपर जो वायुमंडलीय स्तंभ है, किसी भी पर्वतीय स्थल के ऊपर जो वायुमंडलीय स्तंभ है केवल उतने का ही भार पड़ता है, इसलिए यहाँ पर वायुदाब कम होता है। जबकि समुद्र तल पर वायुमंडलीय स्तंभ की ऊंचाई अधिक है, इसलिए भार अधिक पड़ता है, इसलिए वायुमंडलीय दाब अधिक है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर स्थित जो वायुमंडल है उसके स्तंभ की ऊंचाई कम है, जिससे भार कम पड़ता है, वायुमंडलीय दाब भी कम होता है। तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम क्यों होता है, पहला वायुमंडलीय स्तंभ की ऊंचाई कम होती चली जाती है। दूसरा कारण क्या है, वायु संपीडक है, कंप्रेसिव है ना, कंप्रेसिबल है। इसका मतलब है कि हवा को हम दबा सकते हैं जितना चाहे, हवा को अगर ज्यादा दबाएंगे तो लिक्विड गैसों को, अगर आप जितना मान लेते हैं ऑक्सीजन एक गैस है लेकिन ऑक्सीजन को ज्यादा हम कंप्रेस करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, लिक्विड में बदल जाएगा। तो गैसें कंप्रेसिबल होती हैं, संपीड्य होती हैं, इन्हें जितना चाहे हम दबा सकते हैं। तो चूंकि हवा संपीडक है इसके चलते वायु की जो निचली परतें होती हैं उन पर भार अधिक पड़ता है, जिससे उनका घनत्व बढ़ जाता है। वायु की जो ऊपरी परतें होती हैं वो निचली परतों पर दबाव अधिक डालती हैं, जिससे निचली परतों का घनत्व अधिक हो जाता है, निचली परतों पर भार अधिक पड़ता है। इसलिए धरातल पर नीचे वायुदाब अधिक होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर वायुदाब कम होता जाता है ना। वायु चूंकि संपीडक है इसलिए सबसे ज्यादा भार कहाँ पड़ेगा, सबसे ज्यादा दबाव कहाँ पड़ेगा, समुद्र तल पर पड़ेगा। निचली जो परतें होती हैं ज्यादा सघन हो जाती हैं, ज्यादा भारी हो जाती हैं, इसलिए सागर तल पर वायुदाब ज्यादा होता है। तीसरा कारण क्या है, भारी गैसें नीचे पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन एक भारी गैस है, वायुमंडल में जितनी भारी गैसें हैं वो अपेक्षाकृत नीचे पाई जाती हैं और हल्की गैसें ऊपर पाई जाती हैं। इसलिए नीचे यानी सागर तल पर वायुदाब अधिक होता है और ऊपर चूंकि हल्की गैसें हैं इसलिए ऊंचाई वाले स्थलों पर जाने पर वायुदाब कम होता चला जाता है। इसके अलावा जो वायुमंडल की निचली परतें हैं उन पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक काम करता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, हर वस्तु को खींचती है अपनी तरफ, तो वायुमंडल की निचली परतों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, जिससे उनमें दबाव होता है, नीचे की ओर भार पैदा होता है। निचली परतों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक, जिससे उनमें भार अधिक हो जाता है, है ना। अब जैसे जितना ही हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा और उस वस्तु का भार भी कम होता जाएगा, है ना। अगर हम पृथ्वी से बहुत ऊपर चले जाएं तो हमारा भार, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा हमारा, लेकिन अगर हम द्रव्यमान नहीं बदलता है लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा भार घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पर गुरुत्वाकर्षण बल कम काम करेगा। तो निचली परतों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए निचली परतें अपेक्षाकृत भारी होती हैं, इसलिए समुद्र तल पर वायुदाब अधिक होता है। ये कुछ कारण हैं जो बता रहे हैं कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम क्यों होता है। अब एक बार आपने मेरे साथ वायुदाब को अच्छे से समझ लिया, इसका अच्छे से अध्ययन कर लिया, तो वायुदाब पेटियां बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। जो सहायक क्वेश्चन दिमाग में उत्पन्न होते रहते हैं कि ये क्यों वो क्यों, ये सब अब पैदा नहीं होगा। तो एक बार वायुदाब पेटियों का अध्ययन करेंगे, इसके बाद आप हमारे साथ वायुदाब पेटियों को पढ़ने के बाद धरातल पर पवन संचार प्रणाली का अध्ययन करेंगे। धरातल पर पवन संचार प्रणाली में हम बहुत सी पवनों का अध्ययन करेंगे, है ना। जैसे कुछ पवनें स्थानीय होती हैं, कुछ पवनें मौसमी होती हैं, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिहाज से स्थानीय पवनें भी पूछी जाती हैं, उतनी महत्वपूर्ण हैं। और जो ग्रहीय पवनें हैं यानी सन्मार्गी पवनें जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, विषुव से लेकर ध्रुव तक एक ही दिशा में चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवनें कहते हैं। तो सन्मार्गी पवनों का भी हम अध्ययन करेंगे। धरातल पर अलग अलग वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। हमने बताया था कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, इसलिए चूंकि धरातल पर अलग अलग वायुदाब पेटियां हैं तो धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली इन्हीं वायुदाब पेटियों के अधीन है।
आप आगे देखेंगे कि धरातल पर कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इसलिए इन 7 वायुदाब पेटियों के मध्य पवनों की कितनी पेटियां होंगी? 6 पेटियां होंगी। जब आप 7 रेखाएं खींचेंगे धरातल पर, अगर 7 वायुदाब पेटियां बना देंगे, ये होंगी 7 वायुदाब पेटियां, तो हवा या तो यहां चलेगी, यहां से यहां चलेगी, यहां से यहां चलेगी, हमने कहा ना उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, जैसे भी। तो पवनों की कितनी पेटियां होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो 7 वायुदाब पेटियों के मध्य में पवनों की कुल, सन्मार्गी पवनों की कुल 6 पेटियां पाई जाती हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हम अगले वीडियोज में इनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।